नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई न्यूज इंडिया में। एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में राजनीतिक दल आमने सामने हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी एक राजनीतिक जंग जारी है। अवमानना मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। चौकीदार चोर है वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष ने खेद जताया है, लेकिन अपना जवाब देते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी घेरे में लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर दाखिल की गई याचिका पर आज एक बार फिर सुनवाई होनी थी। इससे पहले मीनाक्षी और राहुल के पक्ष की तरफ से जवाब देने के लिए समय मांगा गया था। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर लिया। राहुल ने पुरानी दलीलों को ही आधार बनाया और कहा कि उनका मकसद सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना नहीं था। हालांकि इसी बहाने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा और कहा कि बीजेपी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राफेल मामले में क्लीन चिट बनाकर बाहर फायदा उठा रही है। राहुल ने अपने हलफनामे में कहा कि मीनाक्षी लेखी की याचिका को जुर्माने के साथ खारिज किया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार में घसीट कर रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का आरोप है। सर्वोच्च अदालत में राफेल मामले पर पुनर्विचार याचिका स्वीकारने के बाद राहुल ने अपने एक बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है कि चौकीदार चोर है, जिसके बाद बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने उनके खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा था और उन्हें अपने बयान को लेकर खेद प्रकट करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि चौकीदार चोर है। हालांकि इस जवाब से भी सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता की अपील पर राहुल गांधी को दोबारा अपना जवाब देने के लिए कहा गया था। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से। धन्यवाद।